नमस्कार दोस्तों, अब होगी असली वॉर स्टार्ट, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई थी वो सिर्फ ये थी कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट कैसे पहुंचाया जाए। अब जो लड़ाई है वो अलग लेवल की देखने के लिए मिलती है, मतलब अब मोबाइल टावर को ही गायब करके आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें कि आपको किसी भी तरीके की मोबाइल टावर की रिक्वायरमेंट ना हो, डायरेक्टली सैटेलाइट टू आप तक कनेक्टिविटी पहुंचे और आप कम्युनिकेशन कर सकें। तो यहाँ पे जो मोबाइल टावर है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि मैंने तब, मेरे पास DJI का ड्रोन है जो कि आपको ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सैटेलाइट कनेक्टिविटी, मतलब मैं घर के गेट के बाहर निकलता हूँ तो 3 से 5 सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये बात अलग है कि इसमें मेनली डेटा ट्रांसमिट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ GPS कनेक्टिविटी के लिए यूज की जाती है। बट वापस आए, क्या सच में पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एक एंटेने वाले रिमोट थे मेरे पास, जिसकी सहायता से मैं 5 सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे ही घर के बाहर निकलता हूँ यूज कर पाता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो जरूर है कि विदाउट टावर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बढ़त किस देश को देखने के लिए मिलती है और किस देश में इस तरीके का रिवलाइजेशन हुआ है? तो यहाँ पे हमें चाइना देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि रिवलाइज किया है स्मार्टफोन के साथ कम्युनिकेशन विद डायरेक्टली सैटेलाइट, मतलब किसी भी तरीके की, मतलब बात की जाए तो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। और यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनी अपना करोड़ों रुपए, खरबों रुपए जो इन्वेस्ट कर रही है ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि चाइनीज साइंटिस्ट ने अचीवमेंट कर ली है ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन, जिसमें कि हमें वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट जो यूज की गई है उसका नाम टियांग टोंग रखा है, मतलब ये एनेबल करती है डायरेक्ट टू मोबाइल कॉल टू सैटेलाइट, मतलब अब आप एबल हैं डायरेक्टली मोबाइल फोन से सैटेलाइट कनेक्टिविटी, जिसमें कि इंडिया में जो बात चल रही है वो सिर्फ होम ब्रॉडबैंड को लेकर चल रही है और डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी। लेकिन जो इंडिया में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, सैटेलाइट टू मोबाइल टावर, मोबाइल टावर टू कस्टमर। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट ने इसे भी ब्रेक डाउन कर दिया और जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे धक्का मार के कहा नहीं, डायरेक्टली सैटेलाइट टू मोबाइल यूजर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बिना किसी रिक्वायरमेंट के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब यहाँ पे मैं टावर गायब करने की कोशिश की थी लेकिन ये इमेज ही क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ये सोचिए कि ये टावर खत्म हो गया, डायरेक्टली सैटेलाइट टू मोबाइल कनेक्टिविटी आपको मिले और आप डायरेक्टली यूज कर पाए एक कॉलिंग फैसिलिटी और इंटरनेट, मतलब आपकी सारी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मोबाइल फोन से रिलेटेड कंप्लीट होती है। क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट किए गए थे वो इतने आसान नहीं थे, एक लंबा चौड़ा टाइम लगा है चाइनीज साइंटिस्ट को इसे ब्रेक डाउन करने में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने में। बड़ा हुआ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता तो ये होता कि कंपनी ने एक ट्रायल दिया, यूज कर लिया। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट ने इसे ग्राउंड रियलिटी पे चेक किया है कि किस तरीके से सैटेलाइट टू कनेक्टिविटी यूज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो सिर्फ एक चीज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये वीडियो का आपको फर्स्ट पार्ट देखने के लिए मिलता है, सेकेंड पार्ट जो होगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो टियांग टोंग इसका नाम रखा है सैटेलाइट का, वो कहते हैं कि कनेक्टिविटी टू हेवन, मतलब स्वर्ग से संपर्क किया जा रहा है। तो इस तरीके से टियांग टोंग इनका नाम देखने के लिए मिलता है सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट जो है वो सीरीज 1 है, तो ये भी याद रखना है। और जो फर्स्ट सीरीज लॉन्च की गई थी वो 6 अगस्त 2016 को लॉन्च की गई थी, जिसमें कि 3 सैटेलाइट थी और यहाँ पे जो कहें कि ऑर्बिट के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है वो 36,000 किलोमीटर का किया गया है, और ये पूरा इंटायर एशिया स्पेसिफिक रीजन को, साथ में बात करी जाए तो जो बड़े टेलीकॉम जायंट देखने के लिए मिलते हैं और गियर मेकिंग कंपनी देखने के लिए मिलती है, साथ में बात करी जाए तो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक का नाम नहीं लेंगे, हुआवे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चाइना में एक जायंट देखने के लिए मिलता है टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन ये सिर्फ चाइनीज तक सीमित नहीं है, ये चाइना से बाहर निकल के वर्ल्ड वाइड भी देखने के लिए मिलता है। तो इन्होंने फर्स्ट अपना सैटेलाइट मोबाइल फोन लॉन्च करा था, जो कि आपको हुआवे की तरफ से देखने के लिए मिलता था, हुआवे मैट
60 Pro, ये मोबाइल में खासियत ये देखने के लिए मिलती थी क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी तो आपको एप्पल का मोबाइल भी देता था, लेकिन ये मोबाइल आपको एडिशनल फीचर प्रोवाइड करवाता था जिसमें कि आप सैटेलाइट के द्वारा कॉलिंग भी कर सके। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल खरीद लो और इंडिया में कॉलिंग करना शुरू कर दे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जैसे ही आप जियो की सिम लेते हैं तो एयरटेल का इंटरनेट नहीं चला सकते उसी सिम से, तो वैसी ही फैसिलिटी होती है कि ये पूरा डिजाइन होते हैं और इसमें कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं हुई है, डायरेक्ट टू सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगा तो इसमें ई सिम कार्ड होगा और इसमें ऑनलाइन फैसिलिटी दी होगी कि नंबर रजिस्टर्ड किया जा सके और आप इंटरनेट एक्सेस कर सके। जो लॉन्च किया था वो सितंबर 2023 में किया था, लेकिन हुआवे की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल थी कि ऐसा मोबाइल डिजाइन करना जिसमें कि कोई भी एक्सटर्नल एंटेना ना हो और उसे डायरेक्टली सैटेलाइट कनेक्ट किया जाए और उसके बाद इंटरनेट एक्सेस किया जाए। कहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे से चेक किया गया और क्यों इस तरीके के कम्युनिकेशन की आज की डेट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए तो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उस तरीके से ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख सकते, क्योंकि तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो बिगड़ने वाली चीज़ होती है वो टेलीकॉम पेस ही होता है, जिसकी वजह से मोबाइल कनेक्टिविटी और आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलिंग फैसिलिटी हो गई या इंटरनेट फैसिलिटी हो गई वो सबसे पहले ठप होती है। इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे जिसमें कि आपको और ज़्यादा मालूम चलेगा और किस तरीके से आपको नई नई चीज़ें डिस्कवर देखने के लिए मिलती हैं सैटेलाइट टू डायरेक्टली मोबाइल, मतलब बीच का कोई झाड़ नहीं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।